बच्चों में पढ़ रहे हैं। एनसीईआरटी पाठ्यक्रम पर आधारित गणित की पुस्तक का अध्याय नंबर 13 सीमाज ऑफ कलर्स। जस्ट पिछले वाले वीडियो में बच्चों हमने सीमाज पर आधारित जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट थे, आपके पाठ्यपुस्तक के जितने भी उदाहरण थे, सारे हमने एक एक करके सॉल्व किए। आशा करता हूँ सभी के समझ में आए होंगे। यदि आप डायरेक्टली ये वाला वीडियो देख रहे हैं तो बच्चों आप अनकंफर्टेबल फील करेंगे, आपको पहला वीडियो देखना चाहिए और फिर पाठ्यपुस्तक के प्रश्न खुद से ट्राई करने चाहिए, क्योंकि वही बातें सारी उनमें आराम से मिलेगी, कोई अलग बात आपको नहीं मिलेगी। जो मैंने पहले वीडियो में तुम्हें कॉन्सेप्ट समझाया ना, उन्हीं पर आधारित तुम्हारे पाठ्यपुस्तक के प्रश्न है। तो एक बार आप ट्राई जरूर करें, इसी मुहिम को आगे बढ़ाते हैं। पहला प्रश्न, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 3, एक्स प्लस 3। अब यहाँ तो बच्चों देखो, ना तो नीचे जीरो बन रहा, ना कोई 0/0 बन रहा, डायरेक्टली हम लिमिट लगा सकते हैं। तो यहाँ पे 3 और 3, बच्चों आंसर कितना आ जाएगा? 6। लेकिन आपको एग्जाम में इस तरह से रिप्रेजेंट नहीं करना। एग्जाम में आपकी रिप्रेजेंटेशन बच्चों क्या होनी चाहिए? इस तरह से होनी चाहिए। भाई देखो, न्यूमेरिकल स्टेप्स जो एक मैथमेटिक्स वाले बच्चे को समझने में सहायता प्रदान करती है, वो मैं तुम्हें यहाँ पे समझा रहा हूँ। थ्योरेटिकल बातें टाइप्ड आप आराम से देखें। हम अलग अलग लगे, क्योंकि हमें पता है फंक्शंस में अगर बीच में प्लस का साइन है तो लिमिट अलग अलग चली जाती है, माइनस में भी चली जाती है। बोलो हाँ, है ना? वैसे देखो यहाँ पे तो लिमिट एक्स एक्सटेंडिंग टू 3, पहले एक्स पे लगाएंगे तो एक्स की जगह हमने 3 रख दिया, और यहाँ पे एक्स है ही नहीं, तो जो भी कांस्टेंट है, जो भी अचर संख्या है, वैसे यहाँ पे आ जाएगी। तो 3 और 3 है बच्चों, हमारा आंसर कितना आ गया? 6। क्लियर है क्या? बहुत आसान है ना। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 2। बच्चों इसमें थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, ये पाई की जगह एक्स लिखा हुआ है यहाँ पे। बुक तो आपके पास सही ना, चेक कर लो। लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई एक्स माइनस 22/7, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, एक्स की जगह क्या रखेंगे? पाई। तो पाई माइनस 22/7 ये हमारा फाइनल आंसर है। अब इसमें कुछ बच्चे क्या करेंगे, पाई की जगह वापस 22/7 रख देंगे। 22/7 माइनस 22/7 0, जबकि ये गलत है, क्योंकि पाई का मान 22/7 नहीं होता बच्चों, पाई का लगभग मान होता है 22/7। ये मैंने तुम्हें पहले भी बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया बच्चों, है ना? पाई एक अपरिमेय संख्या, 22/7 एक परिमेय संख्या, ये इरेशनल और ये रेशनल। जब तक क्वेश्चन खुद नहीं बोलेगा तब तक पाई को 22/7 हम नहीं लेते, पाई पाई रहता है, ठीक है? तो इसका आंसर आ जाएगा पाई माइनस 22/7। यहाँ भी देख लेते हैं क्वेश्चन है बच्चों, एक्स माइनस 22/7, लिमिट पहले एक्स पे लगा दी हमने, ठीक है? फिर हमने क्या किया, माइनस लिमिट 22/7, तो बच्चों हमारा आंसर क्या आ जाएगा, पाई माइनस 22/7। बढ़े थोड़ा आगे, चलो क्वेश्चन नंबर 3, लिमिट आर टेंडिंग टू 1 पाई आर स्क्वायर, तो बच्चों आर की जगह क्या रख दोगे, 1 रख दोगे, तो हमारा आंसर आ गया बच्चों पाई, खत्म, ठीक है? यहां पे आओ, ये पाई जो कॉन्स्टेंट है वो हमने बाहर ले लिया, इस तरह से रिप्रेजेंट करना होगा एग्जाम में, ध्यान रखना। जो कॉन्स्टेंट राशि होती है उसको हमने बाहर ले ली, आर के ऊपर लिमिट लगा देंगे, ये बराबर में पाई 1 का स्क्वायर, पाई आंसर आ जाएगा, ये बराबर का साइन है, ठीक है? बहुत छोटी छोटी बातें। अब देखो, एक्स का मान 4 रखने पर नीचे 0 तो नहीं बन रहा ना, तो तुम डायरेक्ट लिमिट लगा सकते हो, है ना? तो 4 (4+3) 4 - 2, बच्चों कितना गया, 4 * 16 + 3 = 19/2, हमारा फाइनल आंसर है। एग्जाम में रिप्रेजेंट किस तरह से करोगे, इस तरह से करोगे भाई, मल्टीप्लाई में, प्लस में, माइनस में लिमिट अलग अलग ले जा सकते हैं ना बच्चों। मल्टीप्लाई में तो आवश्यकता पड़ती नहीं है, जो कॉन्स्टेंट राशि उसको पहले ले लो, ठीक है? यहाँ पे देखो, अलग अलग हम ले गए, एक्स की जगह पे 4 रख दिया, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है, केवल लैंग्वेज देखनी है, तरीका देखना है एग्जाम में हमें किस तरह से रिप्रेजेंट करना है। एग्री हो? बहुत आसान है। चलो यहाँ पे देखो, एक्स की जगह 1 होता तो नीचे 0 बनता, फिर हम कुछ करते, तो फिलहाल तो ऐसा कुछ करने की आवश्यकता है नहीं, डायरेक्ट हम लिमिट लगा सकते हैं। तो एक्स की जगह -1 रखो, -1 की घात 10, -1 की घात 5 +1, और नीचे -1 -1। अब ये पावर समय ओड है, इवन ओड है, समय विषम है, समय तो ऊपर आ जाएगा 1, यहाँ पे -1 + 1, नीचे -2, ये दोनों कैंसिल बच्चों, फाइनल आंसर आ गया -1/2, ठीक है? ये लो, यहाँ पे भी आप आराम से इसको चेक कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे बच्चों ना, अब यहाँ पे देखो, नीचे 0 आ गया, अगर x का मान मैं डायरेक्टली 0 रखता हूँ, लिमिट लगा देता हूँ बच्चों, तो फंस जाएंगे ना, नीचे नॉट डिफाइन बनेगा। तो इसको नीचे से 0 हटाने के लिए बच्चों अपन क्या करें, दूसरी बात, यहाँ पे 0 रखते हैं तो 1 - 1 ऊपर, यानी कि हमारे पास ऊपर भी 0 नीचे भी 0, 0/0 बन रहा है, तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। बात समझ आ रही सभी के? अगर नीचे 0 बन रहा होता, ऊपर कॉन्स्टेंट आ रहा होता, तो भी हम बोल देते नॉट डिफाइन आंसर आ रहा है, भाई लिमिट विद्यमान ही नहीं है। भाई नॉट डिफाइन आते हम क्या बोलते हैं, सीमा विद्यमान नहीं है। चलो घबराने की आवश्यकता नहीं है बच्चों, तरीके बहुत सारे हैं। देखो पहला तरीका, एक्स प्लस 1 को हमने वाई मान लिया, क्या मान लिया, वाई। अब बताओ
ठीक है, तो यहां पे x की वैल्यू कितनी आ गई, y माइनस वन आ गई। जब x जीरो होगा, x जीरो कब होगा, जब y वन होगा, बोलो है ना, यानी हम क्या बोलते हैं लिमिट, ध्यान से देखना, जब x, यहां लिमिट हटा दो एक बार, बेसिक देखो तुम, है ना, भावनाओं को समझना क्या लिखने वाला हूं। x टेंडिंग टू जीरो कब, जब y टेंडिंग टू वन, यानी कि यदि आपको रिप्लेस करना है तो y टेंडिंग टू वन लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब एक बात जो मैंने तुम्हें पिछले वीडियो में ढंग से समझाई थी, ठीक है, एक क्वेश्चन था लिमिट, याद करो, x टेंडिंग टू a, x की पावर n माइनस a की पावर n बटा x माइनस a, ये अपने पूरा सोल्व किया था बच्चों। इसका आंसर कितना आ रहा था हमारे पास, n, याद आया, a n माइनस वन, है ना। इसको दोबारा देख लो, लिमिट x टेंडिंग टू a है लेकिन, ठीक है, अब यहाँ पे आओ, तो इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं बच्चों कैसे, यहाँ पे देखो x प्लस वन की जगह y रख रहा हूँ मैं ना, तो y की पावर 5 माइनस वन और x की जगह y माइनस वन, और लिमिट क्या हो जाएगी, y टेंडिंग टू वन। अब इसको इससे मैच करो एक बार, a की जगह 1 है, n की जगह 5 है, x की जगह y है, ठीक है, जिसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 5, ठीक है, a n माइनस वन, यानी कि रिजल्ट आ गया बच्चों 5, खत्म। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 5, बात समझ में आ रही है, ये बहुत ज़्यादा काम आएगा हमारे, ये वाला बिल्कुल ध्यान रखना इसको स्पेशल। अच्छा, और तरीका, इसको अपन बाइनोमियल द्विपद प्रमेय से भी एक्सपेंड कर सकते हैं, एक्सपेंशन कर सकते हैं बच्चों इसका अपन द्विपद प्रमेय से, कैसे, एक्स प्लस वन, तो एक्स प्लस ए की पावर 5, एक्स प्लस वन की पावर 5, याद आया, एक्स की पावर 5, फिर एक्स की पावर 4, ऐसे डिक्रीज करते जाएंगे, और यानी कि 1 प्लस एन एक्स, सबसे पहले टर्म क्या आ जाएगी, 1, फिर क्या आ जाएगा, एन एक्स, फिर पावर बढ़ती जाएगी, तो यहाँ पे 1 से 1 तो कैंसिल हो जाएगा, एन एक्स, है ना। अब n का मान कितना है बच्चों, 5, और नीचे वाले x से सारे टर्म्स में x कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर 5 न्यूमेरिकल आंसर बच जाएगा, बाकी सब में 0 आंसर आ जाएगा। इसको मैं तुम्हें समझाता हूँ, इसमें टाइप डे बच्चों, ध्यान से देखो, अपन ने लगा दिया द्विपद प्रमेय, है ना, 1 प्लस एन एक्स, याद आ रहा कुछ, x, अब इन सभी टर्म में x आएगा, और x की पावर 2 या 2 से ज़्यादा आएगी, तो बच्चों यहाँ पर 1 से 1 तो हमने कैंसिल कर दिया, x सभी में से कॉमन ले लिया, x कॉमन लेने पर केवल कॉन्स्टेंट जनता यहाँ पर बचेगी, सब में x आएगा, तो सब 0 हो जाएंगे, 5 हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, डन है, कोई समस्या वाली बात नहीं, बढ़े थोड़ा सा आगे, चलो। अच्छा, दूसरा वाला मेथड भी बिल्कुल रेडी है जो मैंने तुम समझाया, अब बच्चों इन दोनों को तुम छोड़ो, तुम तो ये वाला बिल्कुल फाइनल कर लो, जब भी इस तरह का प्रश्न आता है हम इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं, ये भी हमारे को पता होना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 7 क्या कर रहा है, 3x² - x - 10 बटा x² - 4, एक बार रख के देखें वैल्यू, x की जगह 0 रखो बच्चों, सॉरी 2 रखो, तो नीचे 0 आ रहा है, ऊपर भी 2 रख के देखते हैं, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12, 12 - 2 10, 10 - 10 0/0 बन रहा है बच्चों। अब 0/0 बन रहा है, तो इसको अपन एक्सपेंड करें, ठीक है, लिमिट नहीं लगा सकते अभी, तो बच्चों इसको तुम द्विघात समीकरण से सोल्व कर लो ना, जो बचपन में तुम करते थे, फैक्टराइजेशन मेथड, गुणनखंड विधि, ऐसे टुकड़े बनाओ कि गुणा करने पर 30 आ जाए और घटाने पर 1 आ जाए, तो ऐसी 2 लगातार संख्या 6 और 5, ठीक है, तो मैं लिख रहा हूँ इसको, 3x² - 6x + 5x - 10, नीचे इसको लिख सकते हैं बच्चों x² - 2 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहां से हम कॉमन ले लें, जैसे जो नॉर्मल प्रोसेस होता है, 3x कॉमन लिया तो x - 2 बचा, यहां से 5 कॉमन लो, x - 2, नीचे बच्चों एक बार प्लस और एक बार माइनस, बोलो हाँ या ना। अब इसको हमें पता है, एक बार अपन अंदर वाला लिखते हैं, एक बार बाहर वाले लिखते हैं, तो 3x + 5 और फिर कितना है बच्चों, x - 2, नीचे कितना है, x + 2 और x - 2, ठीक है। लिमिट हर के साथ लगेगी बच्चों, ये मैं लिमिट बार बार लगा नहीं रहा, तुम समझ जाना अपने आप ही, कहीं इमोशनल हो जाओ, ठीक है, ये केवल न्यूमेरिकल स्टेप्स मैं तुम्हें समझा रहा हूँ ताकि हमारा समय बचे, ध्यान रखना इस बात को, टाइप डे सॉल्यूशन में बिल्कुल ऐसा ही तुम्हें लिखा हुआ मिलेगा। अब हम यहाँ पे लिमिट लगाएं तो बच्चों देखो, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, लगा दो 2, तो 3 × 6 और 5 11/4, ये फाइनल आंसर आ गया, बहुत आसान है,
तरीका आप आराम से यहाँ से देख सकते हैं, कोई समस्या वाली बात ही नहीं है। ऐसे किया था बच्चों अपन ने, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत। 11/4 आंसर आ गया, बढ़े आगे। नेक्स्ट, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3 रख के देख लें एक बार। 3 का स्क्वायर 9, 9 × 2 = 18। तुम भी ऐसे करना जैसे मैं कर रहा हूँ ना, 18 18 - 15, 5 से 15, 3 3 - 3 = 0। ऊपर भी 3 रखे तो बच्चों 3 की पावर 4 होता है 81 81 - 81 0/0 बन रहा है, यानी कि मजदूरी करनी पड़ेगी। अब आ जाओ तो इसको ब्रेक करते हैं बच्चों, ऊपर वाले को लिखते हैं एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। इसको अपन क्या लिख सकते हैं बच्चों, 9 का स्क्वायर। नीचे आ जाओ, गुणनखंड विधि है ना, लिमिट लगा लेना, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3। चलो ये बार बार नहीं लिखूंगा मैं ना। अब गुणा करने पर तो 6 आना चाहिए और घटाने पर 5 आना चाहिए, तो 6 1 6 और 1 है ना। आ जाओ, 2x² - 6x + x - 3, ठीक है बच्चों। इसको हम लिख सकते हैं एक बार प्लस ऊपर वाले को और एक बार माइनस। चलो नीचे 2x कॉमन ले लो बच्चों, क्या बचा, x - 3 + 1x - 3, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इसको फर्दर ऊपर वाले को देखना, x² + 9 तो ऐसे कैसे, इसको बच्चों हम लिख सकते हैं x² - 3² वापिस a² - b² एक बार प्लस और एक बार माइनस। नीचे आ जाओ बच्चों, 2x + 1 भाई, एक बार बाहर वाला एक बार अंदर वाला, ठीक है। तो ध्यान से देखना, इसको अपन क्या लिखेंगे, 2x + 1 और ये x - 3 एक बार। अब देखते हैं बच्चों क्या क्या कैंसिलेशन हो रहा है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, लिमिट तुम लगाते रहना भैया ना। अब तो कुछ 0/0 का सीन ही नज़र नहीं आ रहा। एक्स का मान 3 रखो बच्चों, 3 का स्क्वायर 9 9 9 18, ठीक है। 18 × 3 रखोगे तो 6, ठीक है, बटा 3 रखो, 3 × 2 = 6 और 1 = 7। 18 को 6 से गुणा कर लो, 6 × 48 = 108/7, ये हमारा फाइनल आंसर है बच्चों लिमिट लगाने के बाद, ठीक है। देखो बिल्कुल ऐसे हो रहा है, इस आपको देखो फाइनली इस तरह से रिप्रेजेंट करना है कि लिमिट लगाने के बाद लिमिट लिखा हुआ नहीं आएगा, उससे पहले सभी टर्म्स में लिमिट लिखा हुआ आएगा। यहाँ पे इमोशनल मत हो जाना, सर आपने लिखा ही नहीं, मैंने डैश डैश लगा दिया, समझ जाओगे ना। केवल न्यूमेरिकल स्टेप्स को देखनी है, जहाँ पे एक्चुअल में हमें क्वेश्चन समझना है, बाकी बातें आपको टाइप डी सॉल्यूशन में जो सजाने वाले काम है, साज सज्जा वाला काम है, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। चलो अगला क्वेश्चन, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। बच्चों लिमिट 0 लगाने पे कोई प्रभाव पड़ रहा है क्या, देख के बता दो फटाफट से, कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा सर, डायरेक्ट लगाओ तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, डायरेक्ट बी आंसर आ गया, ये लो खत्म। तरीका इस तरह से देख लेना तुम, बड़े बहुत आसान है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 10, लिमिट जेड टेंडिंग टू 1। अब 1 रखते हैं तो बच्चों 0/0 बन रहा है ना। चलो इसको सोल्व करते हैं, तो इसको अपन एक काम करेगा बच्चों, अब वापस देखो वही टर्म दोबारा लिख रहा हूँ, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए, ये बहुत काम आता है बच्चों, x^(n - a)^(n)/(x - a)। इसका आंसर मैंने कितना बताया तुम्हारे को, जल्दी बोलो, n a n - 1, ये था नहीं था बच्चों। अब इसका यूज करते हैं, ध्यान से देखना ना, इसको कन्वर्ट कर ले अपन। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए काम करते हैं, इसको है ना ऊपर वाली टर्म को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, 1/6 का स्क्वायर, बोलो हाँ या ना, लिख सकते हैं क्या भाई। 1/6 को तुम 2 से गुणा करोगे तो वापस आ जाएगा ना, माइनस इसको 1 का स्क्वायर लिख दो नीचे, z^(1/6 - 1)। अब देखो x^(n - a)^(n)/(x - a), लिमिट एक्सटेंडिंग टू a है ना, यहाँ पे क्या जेड है ना, ये लो a की वैल्यू 1 है। इसका डायरेक्ट आंसर बताओ क्या होता है, अब आप ये लिखना, चूंकि हम जानते हैं, ये फॉर्मूला लिखना और फिर डायरेक्ट लगा देना, n का मान 2, a n - 1, तो बच्चों फाइनल आंसर आ गया 2, खत्म। बहुत आसान है मतलब, देखो ठीक है, यहाँ पे बच्चों ये होल स्क्वायर नहीं आएगा, मिस्टेक है, ऐसा आएगा, इसने वाला फॉर्मूला नहीं लगाया, इसने क्या लगाया देखो ध्यान से, 1 बार प्लस 1 बार माइनस,
माइनस वाला कैंसिल, अब जेड का मान एक रख दो, ये भी तरीका है। ऐसा भी कर सकते थे, कोई समस्या वाली बात नहीं है, हमने वैसे कर लिया, क्या फ़र्क पड़ता है, एक ही बात है, रिजल्ट तो वही आता है ना। लेकिन मैं तुम्हें बार बार इस एप्लीकेशन से क्यों करवा रहा हूँ, ताकि तुम्हें याद होने लग जाए। एक ही पैटर्न से क्वेश्चन करोगे तो फिर अपने आप दिमाग में छप जाती है बच्चों हमेशा के लिए। तो बात समझ में आ रही है सभी के, ठीक है? तो बच्चों मिलते हैं अब अगले पार्ट में अगले क्वेश्चन के साथ। जब तक आप एक बार यहाँ तक ट्राई करें बच्चों, दो बार तीन बार प्रैक्टिस करनी है, एक बार तो आपने वीडियो देख लिया, दूसरी बार आपको रफ कॉपी में न्यूमेरिकल स्टेप्स करनी है जैसे मैं तुम्हें समझाता हूँ, तीसरी बार में तुम्हें न्यूमेरिकल स्टेप्स तो यही रहेगी जो मैंने समझाई, टाइप द सॉल्यूशन में से लैंग्वेज लेनी है, एज इट इज कॉपी नहीं करनी, देखनी है भावनाएं कि इस तरह से हमें एग्जाम में रिप्रेजेंट करना है, और ये खुद के हाथों से लिखा होना चाहिए, मेरे बताने से नहीं पड़ेगी, पर खुद की भाषा में होना चाहिए बच्चों, तभी एग्जाम में नंबर मिलेंगे, ठीक है? चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक प्रैक्टिस करिए, ऑल दी बेस्ट, थैंक यू बच्चों।